हेलो गाइस, तो आपका अपने चैनल टेक धीरज 4155 में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो शुरू होती है। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इस एलईडी बल्ब के वर की रिपेयर पे। आज हम इसकी रिपेयर करने वाले हैं जो कि 9 वाट में है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। जो इनकी ये एलईडी प्लेट है हमेशा यही ख़राब होती है। इसके अंदर का जो ड्राइवर होता है वो ज़्यादातर सही रहता है। तो आज हम इस एलईडी प्लेट को चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करना आसान है। तो मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से एक नई एलईडी ली है जो भी 9 वाट की है और इसमें भी 9 लाइट्स लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 वाट की है और ये भी 9 वाट की थी। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सोल्डरिंग हुई है 2 वायर्स को। सबसे पहले हम इस सोल्डरिंग को हटा लेते हैं। तो इसको सोल्डरिंग को हटाने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे हीट करेंगे। तो ये सोल्डरिंग निकल गई है। देख सकते हो ये सोल्डरिंग हट गई है, वायर्स अलग हो गई है। तो अब हमें इस प्लेट को यहाँ से रिमूव करना है। कई एलईडी बल्ब में होता है कि यहाँ पे पेच लगे होते हैं छोटे छोटे दो, जिससे खोलना आसान होता है, पर इसमें सिलिकॉन का यूज़ करके इसको साथ में पूरी चिपका दिया गया है, तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर भी हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एलईडी निकालते समय टूट गई और ये भी टूट गई है, पर कोई बात नहीं, ये खराब ही है, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको निकाल देंगे। इसको आप ध्यान से करना, बहुत मुश्किल है निकालना। तो वह इसको निकालते निकालते यही निकल गया इसके साथ से, बट कोई बात नहीं, ये दो इसके वायर हैं, तो हम इसको आसानी से अब निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हो कि हमने इसको यहाँ से अलग कर लिया है। ये रही एलईडी जो कि ये है, ये हमें नहीं चाहिए, खराब हो चुकी है। अब इसको रखते हैं साइड में। और यह एल्युमिनियम जो कि एक तरह से हीट सिंक का काम करता है, इसके ऊपर ये सिलिकॉन लगी है और हम इसको हटा लेंगे। किसी स्क्रू ड्राइवर के यूज़ करके या किसी और चीज़ का यूज़ करके हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो गाइस, 3 4 मिनट साफ़ करने के बाद ये थोड़ा इस तरह से साफ़ हुआ है। तो साफ़ करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें ऑलरेडी 2 छेद हुए हैं, एक छेद ये रहा और ये एक ये रहा, जो कि कंपनी की तरफ से पहले से दिए गए हैं, जिससे हम उनकी पेज को टाइट कर सकते हैं। अब हमें इसी प्लेट के ऊपर दूसरी एलईडी को फिक्स करना है जो कि ये है। ये मुझे 20 रुपये की मिली थी ऑफलाइन मार्केट से। आपके मार्केट में रेट कम ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है। अब आप इसे यहाँ पे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। देख लीजिए कि छेद हैं जो एकदम पूरे आमने सामने आ रहे हैं, ये थोड़े आगे पीछे हैं। तो एक छेद को तो हम यहाँ रख लेंगे इसके सामने, जो ये वाला छेद है इसको हमने पूरा सामने रख दिया है इसके, ये आर पार है। और यहाँ पे हमें एक नया छेद करना पड़ेगा। नया छेद करने के लिए ऐसा हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर सेट में ये मिलता है साथ में, इसका यूज़ करके हम छेद कर सकते हैं। आप ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा पतला सा छेद करना है, ये देखिए ये निशान लग गया इस पे, इसके ऊपर हम यहाँ छेद कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने छेद कर लिया है, ये हुआ है नया वाला छेद, ये पुराना ये है, ये नया छेद ये हुआ है और एक छेद ये है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से साफ कर लेते हैं, जिससे कि ये एक लेवल में आ जाए, ये अड़े नहीं। फिर उसके बाद हमें करना है कि इसके ऊपर लगानी है इस प्लेट को। इस प्लेट में भी ऑलरेडी 2 छेद हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे लगाने के लिए इन 2 पेज का, जो छोटे हैं, बहुत छोटे साइज में, बड़े छोटे हैं, आपको ये मिल जाएंगे। और उससे पहले, लगाने से पहले हम एक हीट सिंक पेस्ट का भी यूज़ करेंगे, ताकि जो लाइट हीट होगी वो
अच्छे से उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए इस एल्यूमिनियम प्लेट में। तो उसके लिए हम थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट लेंगे और इस एल्यूमिनियम प्लेट के उल्टी साइड उसको लगा देंगे। इसको अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे साइड साइड तक, ताकि ये अच्छे से उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए और हीट ना हो। हीट होने से जल्दी ख़राब भी हो जाएगी, तो इसको अच्छे से लगा देते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है, लगभग पूरी प्लेट पे लग गया है। तो उसके बाद हम इसमें पेच डाल देंगे दोनों। फिर हम इसको इसके ऊपर अच्छे से बिठा देंगे, ये एक लगा और ये दूसरा। जब ये आमने सामने आ गए दोनों पेच, तो इनको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है। तो स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से इसको टाइट कर देना है। आप देख सकते हो ये मैंने दोनों पेच टाइट कर दिए अच्छे से, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको हम इसकी बॉडी में फिट करेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दो वायर हैं, इनको थोड़ा ऐसे करेंगे और जो सेंटर जो होल है इससे बाहर निकालेंगे। इन दोनों वायर को सेंटर वाले होल से हम बाहर निकालेंगे। तो ये दोनों वायर बाहर आ गई हैं, तो इस ढक्कन को हम ऐसे ही पैक कर देंगे। अच्छे से टाइट कर देना है इसको भी प्रेस करके, जो कि निकले ना इसमें से दोबारा। तो उसके बाद हम इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वायर देखेंगे कौन सी है। और जो ये एलईडी प्लेट है इसके ऊपर पहले से मार्किंग हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आप देख सकते हो पॉजिटिव, ये देख सकते हो आप पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस साइड लगाएंगे ब्लैक वाली, इस साइड लगाएंगे रेड वाली। तो रेड वाली वायर ये है, इसको हम यहाँ पे सोल्डर करेंगे। और यह ब्लैक, इसको हम नेगेटिव वाली साइड सोल्डर कर देंगे। इसको सोल्डर करेंगे यहाँ, इस पॉजिटिव को सोल्डर करेंगे हम यहाँ। इसको थोड़ा अच्छे से सोल्डर करना है, ताकि टच ना हो आसपास कहीं और, जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग तो हमें बिल्कुल आराम से इस पे सोल्डरिंग करनी है। तो सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग वायर को ऐसे भी रख सकते हैं आप, अगर आपके पास पूरा सेटअप है इसका सोल्डरिंग का, तो आप उससे भी कर सकते हैं, आराम से करनी है, जिससे कि ये कहीं और कांटेक्ट में ना जाए। गलत सोल्डरिंग ना हो। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव वाली वायर को मैंने सोल्डर कर दिया है। अब बारी है नेगेटिव वाली वायर की, इसकी। तो इसको भी हम सोल्डर करने की ट्राई करते हैं ऐसे ही। आप इस पे सोल्डरिंग पेस्ट का भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर को अच्छे से सोल्डर कर दिया, यह है पॉजिटिव वाली और यह है नेगेटिव वाली। ये पूरा एलईडी बल्ब तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास यह है एक होल्डर, जिसमें कि एलईडी बल्ब फिट होगा, और इसको हम 220 वोल्ट एसी में लगा देते हैं। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट एसी में। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये अच्छे से ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छी लाइट है इसकी। आपको दिख ही रहा होगा कि
कि बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर से बता देता हूँ मैं, तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आती रहेंगी।